लोकतंत्र के महापर्व को लेकर हल्द्वानी के लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान अवश्य करें और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करें। वहीं उन्होंने पूरे कुमाऊं मंडल के अंतर्गत होने वाले मतदान पर कहा, शांतिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है, उन्हें जल्द ठीक करवाकर वोटिंग दोबारा से शुरू कराई गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, संदेश तो यही है कि लोकतंत्र का महापर्व है। मैंने भी अभी मतदान किया नैनीताल में पीडब्ल्यूडी के बूथ में। आप सभी लोग जो भी अपने घरों पे हैं, आप आएं और वोट करें। जहां तक कुमाऊं की बात है, सुबह जो 9 बजे वाली हमारे पास फिगर्स आई थी, उसमें पहाड़ों में बागेश्वर अल्मोड़ा में 13% के आसपास पोलिंग थी, नैनीताल और यूएस नगर में 10% के आसपास थी। और अभी भी ये कटघरिया बूथ में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी नॉर्मली जो गतिविधियाँ हैं, नॉर्मली वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है।